हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वेरी हेल्पफुल वीडियो लाई हूँ। हमारा आज की वीडियो है विश लीफ इज़ यूज्ड फॉर विश डिज़ीज़, मतलब कि कौन सी पत्ती से कौन सी बीमारी ठीक होती है या फिर कौन सी बीमारी में कौन सी पत्ती को यूज़ किया जाता है। पहला है हमारा नीम लीव्स आर यूज टू ट्रीट डैंड्रफ प्रॉब्लम्स, मतलब जिसे भी डैंड्रफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हमारे जो नीम की पत्तियाँ वो हमारे यूज़ आती हैं, तो आप जानते ही होंगे। सेकेंड हमारा एलोवेरा लीव्स आर यूज टू हील डाइजेशन एंड स्किन एलिमेंट्स, एलोवेरा लीव्स सबसे ज़्यादा स्किन एलिमेंट्स में यूज़ होती हैं। जैसे कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे एलोवेरा लीव्स उसमें यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारा तुलसी लीव इज़ यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। फोर्थ हमारा मस्टर्ड लीव्स इज़ यूज टू प्रिवेंट कैंसर, मतलब कैंसर की बीमारी में मस्टर्ड लीव्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टैमारिंड, मतलब इमली की पत्तियाँ यूज टू ट्रीट स्पेंस एंड स्वेलिंग्स। स्वेलिंग्स मतलब हमें यहाँ पर लिख दिया सूजन, स्पेंस मतलब दर्द, किसी भी तरह का दर्द। नेक्स्ट हमारा मिंट लीव्स आर यूज टू फैटिग एंड हेडेक्स, फैटिग होता है हमारा थकान, हेडेक्स होता है हमारा सर दर्द। तो मतलब जो पुदीने की पत्तियाँ वो हमारे थकान और सर दर्द में यूज़ की जाती हैं, उससे हमारा थकान और हेडेक जो होता है वो दूर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा करी लीव्स आर यूज टू क्योर एनीमिया, जो कड़ी की पत्तियाँ होती हैं वो क्योर एनीमिया, एक डिजीज होती है उसमें हाँ काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट हमारा एक यूकैलिप्टस लीव्स आर यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस जो होते हैं तो उनको ये जो नीलगिरी की पत्तियाँ वो दूर करती हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्फाल्फा लीव्स इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पीयूष ग्रंथि, मतलब जो जिसको भी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है तो अल्फाल्फा लीव्स जो है हमारी यूज़ में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा सिनेमन लीव्स आर यूज टू ट्रीट ह्यूमैटिज्म एंड आर्थरिस्ट। आर्थरिस्ट और ह्यूमैटिज्म का एक ही मतलब है, मतलब गठिया, मतलब जैसे गठों में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे दालचीनी की पत्तियाँ जो हैं वो यूज़ आती हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं दालचीनी की पत्तियाँ। नेक्स्ट हमारा हाइबिस्कस लीव्स आर यूज टू प्रिवेंट हेयर लॉस एंड हेयर ग्राइंग। हेयर लॉस हमारा बाल झड़ना, हेयर ग्राइंग बाल सफ़ेद होना। जब किसी के बाल झड़ते हैं या फिर बाल सफ़ेद होते हैं तो हमारी गुड़हल की पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रम स्टिक्स लीव्स आर यूज टू प्रिवेंट हार्ट आई एंड स्किन प्रॉब्लम, जिसे भी स्किन प्रॉब्लम होती है या फिर उसके हार्ट में प्रॉब्लम होती है या फिर आँख में कोई प्रॉब्लम होती है उससे दिखता नहीं है, तो उसमें सहजन की जो पत्तियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा बिटर गॉड लीव्स आर यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, मतलब रेस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे करेले की पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आप अगर आपको मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप कभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ और शेयर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।